ओबीसी के 27% आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। एमपी सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने कोर्ट के भीतर अपना पक्ष रखा। कोर्ट में संसद द्वारा संशोधित नियम रखा गया, 50% आरक्षण की सीमा संसद द्वारा खत्म कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं विचाराधीन है, लिहाजा एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे नहीं किया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होने वाली है। माननीय न्यायालय में आज हमने और विनायक साय जी द्वारा विशेष अधिवक्ता हम लोगों को नियुक्त किया है मध्य प्रदेश शासन ने, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने कोर्ट में पक्ष रखा और कोर्ट को इस चीज़ से अवगत कराया कि जो 50% की सीमा पर बार बार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, न्यायालय अंतरिम आदेश पारित कर रहा है, ये 50% की सीमा संसद द्वारा खत्म कर दी गई है। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, क्या पक्ष यहां पर रखा गया साफ तौर से कोर्ट के भीतर, और अब अगली जो तारीख दी गई है वो कब की है? देखिए, दरअसल एफएसएल में भर्ती निकाली गई थी, उसमें ये प्रावधान निकाला गया था कि 27% के हिसाब से भर्ती होगी, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया और कहा है कि क्योंकि ओबीसी में 14% भर्ती गई है, इसी बात लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें से ओबीसी वेलफेयर की तरफ से भी पक्ष रखा गया और ये कहा गया है क्योंकि पिछले दिनों पीजी नीट काउंसिल और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण दिया था, लिहाजा उसको ग्राउंड बनाने की कोशिश की गई और कोर्ट से मांग की गई है कि कहीं पर भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम याचिका लगी, कहीं पर स्थगन नहीं है, स्टे नहीं है 27% आरक्षण पर, लिहाजा इस पर जो है 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने की अनुमति दी जाए, जिसको यहाँ पर आज कोर्ट ने सुना है और पुरानी जितनी भी ये कह सकते हैं कि याचिका है सबको क्लब करके हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई जो है वो हम 28 फरवरी को करेंगे। मतलब एक्चुअल में जो अलग अलग भर्तियां हो रही है उसकी देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, वो 60% आरक्षण के हिसाब से देता है या फिर 14% के हिसाब से ही होगा। यहाँ पर आप बने रहेगा हमारे साथ कुमार इंदर, आपके पास दोबारा लौटते हैं। इस बीच जबलपुर से एक और अहम खबर आई, नीट पीजी काउंसिलिंग में आरक्षण का मामला, काउंसिलिंग में 14% आरक्षण का प्रावधान, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है 27% आरक्षण का पालन। तो नीट यूजी काउंसिलिंग में प्रावधान होने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मामले में हाईकोर्ट में किसी भी तरह का स्टे नहीं है। इस मामले में सभी याचिकाओं पर अगले हफ्ते अब सुनवाई होने वाली है। तो इस याचिका में आज लंबी कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट को मेडिकल प्रवेश नियमों से अवगत कराया, आरक्षण नियमों से अवगत कराया और एक कोर्ट को बताया कि इसमें कोई भी प्रकार का अंतरिम आदेश माननीय न्यायालय का नहीं है और ऐसी स्थिति में 27% आरक्षण लागू ना करना इस विधान का उल्लंघन है और जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इशू किया है अलॉटमेंट ऑफ सीट वो इससे असंगत है। जो मूल याचिका है 5901/2019 उससे लिंक करके और इसकी सुनवाई अगले हफ्ते माननीय न्यायालय द्वारा। तो कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। कुमार इंदर, ये क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कोर्ट के भीतर इसमें सुनवाई हो रही है? देखिए, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें नीट पीजी काउंसिल और नीट यूजी काउंसिल की जो काउंसलिंग होना है डॉक्टर्स की, उसमें भी यही 27% आरक्षण को लेकर पेज फंसा हुआ है। इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों फैसला आया था कि नीट पीजी काउंसिल में क्योंकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने पहल की थी कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में फैसला दे और हम ताकि डॉक्टरों की भर्ती करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था कि हम नीट पीजी काउंसिल में 27% के आरक्षण के हिसाब से इस साल भर्ती करने की अनुमति देते हैं, लिहाजा इसमें भी वही पेज फंस रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 27% के हिसाब से नीट पीजी काउंसिल में भर्ती की जा सकती है इस साल के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें आके पेज फंस रहा है, उसमें भी नीट पीजी काउंसिल में 14% आरक्षण है और नीट यूजी काउंसिल में जो है वो 27% आरक्षण है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वो प्रावधान होने के बाद भी अधिकारी जो है उसको अमल में नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उस पर सुनवाई हुई है। तमाम याचिकाएं जो पुरानी याचिका है उनको कंसिडर करते हुए हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है सरकार को इसमें जवाब देना है कि प्रावधान को क्यों नहीं अमल में हो रहा, याचिकाकर्ताओं की भी जवाब दिया जाएगा। तो 1 हफ्ते बाद ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का इसमें एक अहम फैसला आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसिल और यूजी काउंसिल की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता खुल सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।